हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में लाइन ऑफ एक्शन के बारे में बात किया था, आज मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करके लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी का कंसेप्ट लाइन ऑफ एक्शन से ही है, तो बड़े आसानी से उस वीडियो को देखेंगे। और वो वीडियो बहुत ही कम समय का है, लगभग बहुत ही कम समय में 10 मिनट के अंदर ही है, लगभग 5 से 6 मिनट के आसपास होगा, ठीक है। तो उस वीडियो की जरूर बात करेंगे लाइन ऑफ एक्शन की, और जो लोग की लाइन ऑफ एक्शन है तो उस वीडियो में टाइम वेस्ट ना करेंगे। अगर जिन लोग को लगता है कि लाइन ऑफ एक्शन मुझे कंप्लीट है तो उस वीडियो देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही शेयर करने की ज़रूरत है। वो वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए बना दिए हैं जिनकी बेस बहुत ही कमजोर है उनके लिए, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी, ठीक है। तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी। बड़े आसानी से इस कंसेप्ट को देखेंगे, और देखने के बाद हम लोग इसकी एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग पूरे एनालिसिस करेंगे। ट्रांसमिसिबिलिटी का मीनिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद सिंग एल होना चाहिए ना, हाँ ठीक है, ठीक है ना, पूरी तरह से चेक हो चुके हैं, ठीक है। एक अपन बॉडी बना लिया, एक बॉडी ये है, अपन बॉडी बना लिया, मतलब आप लोग को फीलिंग दूसरा नहीं होना चाहिए, है ना, अपन को यहाँ पे देखना चाहिए कंसेप्ट को, ठीक है। अगर सबसे पहले अगर थोड़ा सा कंसेप्ट देखा जाए तो लाइन ऑफ एक्शन की, अगर कोई फोर्स यहाँ पे ऐसे कोई बंदर लगा रहा है, बंदा लगा रहा है फोर्स, लगना चाहिए कि बंदा फोर्स लगा रहा है, बंदा खुद खिंचा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदा कोई फोर्स लगा रहा है तो बताइए, हमेशा ये बंदे को फिगर बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो बंदे की फोर्स को हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, मान लिया जाए कि ये फोर्स इस तरह से ऐसा लगा रहा है, और ये बॉडी है रिजिड बॉडी। बड़े आसानी से समझिएगा कि अगर कोई रिजिड बॉडी पर अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी से फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स किसी न किसी एक पॉइंट पर लगाएंगे। किसकी एक पॉइंट पर लगा रहे हैं तो बोले कि रिजिड बॉडी के एक पॉइंट पर क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। तो बड़े आसानी से यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ड्रा तो हम कन्फर्म कर सकते हैं, इतना तो सीख जरूर लिए हैं पिछला वीडियो का अकॉर्डिंग। तो ये हुई फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, यही तो हुई फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हुई, है ना, और बढ़िया से लगना चाहिए, ऊपर दिख नहीं रहा, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन दिखना चाहिए। अब क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कि अगर फोर्स यहां पर लग रहा है तो इसकी कोई ना कोई लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो यही बताता है कि अगर ये फोर्स को यहां से उठाकर यहां शिफ्ट कर दिया जाए, चाहे यहां से उठा करके इसको यहां शिफ्ट कर दिया जाए, चाहे यहां से उठाकर यहां पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो बॉडी के एक्सटर्नल इफेक्ट में इस फोर्स के वजह से जितना चेंजिंग आ रहा था उतना ही चेंजिंग आएगा, कोई अदर से एक्टिविटी, अदर से कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बड़े आसानी समझिए, यहाँ से अगर इसमें डायमेंशन में चेंजिंग हो रहा था, थोड़ा सा मुड़ रहा था, तो यहाँ से खींचने के बाद भी थोड़ा सा लुढ़केगा, यहाँ से जितना लुढ़क रहा था उतना ही उधर से लुढ़केगा, ये बात मान लीजिए। तो हम लोग इसको ये पॉइंट से हम लोग शिफ्ट कर दे रहे हैं बी से, कहाँ पर, कहाँ, कौन पॉइंट पर शिफ्ट कर रहे हैं, पॉइंट बी पर। देखिए, तो अगर ये एक पॉइंट ए पर हमने फोर्स लगा रहा था और यही फोर्स को उठा करके यहाँ पे अगर लगा कर खींचेंगे तो जितना इफेक्ट इधर से मिल रहा था उतना ही इफेक्ट इधर से मिलेगा। बड़े आसानी से समझ लीजिए कि जितना इफेक्ट इधर से मिल रहा था उतना ही इफेक्ट इधर से मिलेगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
बड़े आसानी से समझ गए हैं कि अगर फोर्स को शिफ्ट करने से किसी रिजिड बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर ही शिफ्ट होनी चाहिए। यही बताया था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। बड़े आसानी से देख लीजिए, क्वालिटी ठीक ठाक जा रहा बताइए, क्वालिटी में कोई इशू होगा था? अभी तक तो लगता है ठीक है, एक्सपोजर अपन बंद कर दिया ठीक है। तो लिखेंगे इट स्टेट दैट दिखाई पड़ रहा हाँ, इफ अ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, लिखिए इफ एक फोर्स है जो एक्ट कर रहा है किस पर, एक पॉइंट पर, किसके पॉइंट पर, तो ऑन द रिजिड बॉडी, किसकी कौन बॉडी पर एक्ट कर रहा है, रिजिड बॉडी पर, ऑन द रिजिड इज, अगर इस फोर्स को शिफ्ट कर दे, इज शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट, किसी अदर पॉइंट पर शिफ्ट कर दिए, अलोंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर इसी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर शिफ्ट कर रहे हैं, देन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अलोंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, देन द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज रिमेन्स अनचेंज, है ना, उसकी एक्सटर्नल इफेक्ट क्या होगी, अनचेंज है, आपको क्या लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। बड़े आसानी से चीज़ों को समझेंगे, एक बात और समझेंगे कि 6 मार्क्स से पूछा था और इतना छोड़ देंगे तो 6 मार्क्स उम्मीद है नहीं देगा, तो हम उसके लिए थोड़ा सा 6 मार्क्स के लिए हम पूरे बात बनाते हैं थोड़ा सा, तो वही चीज़ें कुछ नहीं करेंगे। लेट या सपोज या लेट कर लेंगे, लेट ही करेंगे, छोटा छोटा मीनिंग का यूज करेंगे, क्यों स्पेलिंग का, क्योंकि छोटा स्पेलिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, एरर होने का चांस बहुत बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है ठीक है। लेट एफ फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट ए एंड फोर्स एफ इज शिफ्टेड एट पॉइंट बी, ए फोर्स को किस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया, बी पर, देन देयर इज एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बड़े आसानी से लॉ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यानी ट्रांसमिसिबिलिटी को कंसेप्ट को क्लियर किया, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ही हल्का कंसेप्ट था और ये कंसेप्ट आप लोग के लिए 6 मार्क्स दिलाएगा। तो एक बार फिर से समरी के तौर पर देख लीजिए कि अगर फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं पे शिफ्ट कराने से उसकी फोर्स की एक्सटर्नल इफेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आती है ठीक है। तो ये आपको 6 मार्क्स के लिए